पूर्व मंत्री व कांग्रेस के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल सोलन में कछुआ गति से चल रहे विकास कार्यों से नाखुश दिखे। कर्नल धनीराम शांडिल ने एमएलए फंड से करवाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, लेकिन कोई भी कार्य सिरे न चढ़ता देख स्थानीय विधायक लाल होते नजर आए। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से सोलन की जनता के लिए करवाए जा रहे कार्य कछुआ चाल से हो रहे हैं। सोलन में चाहे चंबा घाट तक बनाने वाला पैदल मार्ग हो, चाहे पानी के टैंकों को ढकने का कार्य, शांति बाईपास हो, सारे के सारे कार्य अधर में लटके हुए हैं। लोगों का मानना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के चलते सोलन में विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और सोलन की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस समझ रहे हैं। स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जनता की परेशानी को समझते हुए विकास कार्यों को तेज गति से पूर्ण कर लोगों को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए व इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जनहित के कार्यों में लेट लतीफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर वे कड़ा संज्ञान लेंगे। तो काम तो हुए हैं, परंतु ठीक कहा आपने कि इनमें इतनी तेजी जैसे आनी चाहिए किसी भी विकास कार्य में, जो जनहित के हों आनी चाहिए, वो नहीं आई और वो आनी जरूरी है। मैं अभी भी प्रार्थना करूंगा अपने वेरियस डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि हमारे जो दिए गए काम है उस जनता को जरूर दूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, निराशाजनक एटमोसफेयर क्रिएट नहीं करना चाहिए। विकास के कार्यों में हमेशा तेजी दिखानी चाहिए। तो इसके लिए मैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को भी पिन डाउन करना चाहूँगा। जिम्मेवारी तो लेनी ही पड़ेगी और जो काम इतना डिले हो गया उसकी जो कॉस्ट पड़ जाती है उसे कौन देगा? क्योंकि जो काम आपका 5 साल या 4 साल पहले होना, वो आज डेफिनेटली 10 या 15-20% बढ़ेगा ही। इसलिए जो कॉस्ट एस्केलेशन होती है, इसकी भी जिम्मेवारी वेरियस डिपार्टमेंट को लेने का प्रावधान करना होगा। जब ऐसा प्रावधान होगा और किसी को इसके बारे में ठीक से पनिशमेंट मिलेगी तो अपने आप ही काम सीधे होंगे, तभी तो होगा। वरना तो काम ऐसे ही चलता रहेगा और 2 महीने की बजाय 2 साल में करते रहो। और उसका सिर्फ मैं समझता हूँ हमें राजनीतिक फायदा ही नहीं लेना चाहिए, लोगों जनहित भी देखना चाहिए। जनहित की ये समस्याएँ हैं, जनहित की ये प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, इनको जनहित स्वरूप देखते हुए इन कामों को पूरा करना चाहिए और इसके बारे में हम गंभीरता से इसको लेंगे। PRTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।